नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी को परीक्षा प्लस परिवार में स्वागत करता हूं। अभी मैंने पिछला जो आपको वीडियो बनाया था वो यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2020 जो आने वाली है, जो नवंबर अप्रोक्सीमेशन लगाया जा रहा है, सभी लोगों का यही बताया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नवंबर में आपके लास्ट तक हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसकी, तो उससे रिलेटेड मैंने एलिजिबिलिटी की, जो भी अगर बच्चे नए हैं, ग्रेजुएट हैं, जो नहीं जान रहे हैं कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो मैंने एक वीडियो बना के आपको दे दिया है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी जो है आरओ एआरओ 2020 जो आने वाली है उसकी देख सकते हैं। आज उसी सीक्वेंस में हम आगे बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे बताया था कि आपको अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो एक चीज़ आनी चाहिए कि आपके पास एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए, प्लस आपके पास एक अच्छा जो है क्या होना चाहिए कि किससे हम पढ़ें, एक सोर्स अच्छा होना चाहिए, एक रिसोर्स आपके पास अच्छा होना चाहिए कि किस रिसोर्स से पढ़ें कि हमारा एग्ज़ाम जो है क्या हो जाए, क्रैक हो जाए। क्योंकि अगर आप रिसोर्स नहीं अच्छा उठा पाओगे कि हम किस रिसोर्स से पढ़ें, कौन सा रिसोर्स ना पढ़ें, तो एक ही सब्जेक्ट के तीन चार किताब फॉलो करने लगोगे तो फिर वो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको एक अच्छे बेहतर रणनीति के साथ कि हाँ ये किताब है मुझे अच्छे से एक एक ही किताब पढ़ो, लेकिन 4 से 5 बार पढ़ो ताकि आपके उस किताब से कोई भी फैक्ट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका छूटे नहीं। और ये जो आपका आरओ का एग्ज़ाम होता है, जो प्री होता है इसका, इसमें जो क्वेश्चन देखे गए हैं अभी तक उसमें फैक्ट बेसिस पे बहुत डीप फैक्ट तक चला जाता है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपको उठाता है। तो आपको कैसे उसको ट्रैकल करना है, कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पोर्शन पढ़ लें कि हमारा आरओ प्री हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग होता है ये भी, इसके भी कोई मार्क्स जुड़ते नहीं है, सिर्फ जब मेंस आप लिखोगे कि मेंस के बदौलत आपकी जो होती है आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और जो एआरओ वाले होते हैं उनका मेंस प्लस उनकी जो आपकी टाइपिंग वाला टेस्ट होता है उसके जो आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। तो आज हम बात करेंगे उसी के आधार कि आपका पहले सिलेबस में बताऊंगा, सिलेबस के साथ ही मैं आपको सोर्स बताऊंगा कि जो सिलेबस में आप में पॉइंट दिया गया है आप उसको कहां से पढ़ो। मैं बहुत ज़्यादा किताबें नहीं बताऊंगा, मैं एक दो किताबों का नाम लेकर आया हूँ, साथ में रखा हूँ, लेकिन आपको कोई एक उसमें से फॉलो करना है और बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करना है। ये नहीं कि हाँ मैंने चार किताब, दो तीन किताब लिखी है, वैसे भी मैंने तीन चार किताबों का नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ दो, मैक्सिमम दो किताबों का नाम लिखाऊंगा, ठीक है, उसमें से आपको कोई एक चुनना है। अगर आपके पास पहले से है तो आप उसी को फॉलो करिए, नहीं है तो आप उसमें से जो भी हो आप लेके आइए मार्केट से और उसे अच्छे से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक आपके, क्योंकि टाइम आपको जैसा मिलेगा, जिस हिसाब से आपको एग्जाम का ड्यूरेशन मिलता है, जैसे एक महीना तो आपका नोटिफिकेशन आएगा तो फॉर्म ही फिल होगा, मान के चलिए कि मिनिमम के 3 मंथ आपको मिलेंगे, तो 3 मंथ में आपको कैसे तैयारी करना है उस हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। लास्ट टाइम में भी जब 1 महीने बच जाएंगे आपके एग्जाम के तो मैं आपको 1 महीने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आरओ को कैसे क्रैक करना है, ठीक है। तो पहले आज हम बात कर लेते हैं सिलेबस और उसके कुछ बुक के बारे में कि हम पढ़ेंगे क्या, सिलेबस हमारा क्या है। तो जो आरओ और एआरओ का सिलेबस है वो दोनों के प्री के लिए आपका सेम है, कोई बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एआरओ देने जा रहे हो तो उसमें सिलेबस चेंज होगा, चाहे आरओ दे रहे हो तो उसका सिलेबस चेंज होगा, समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्री का जो सिलेबस है आपको सेम है, आपको पेपर एक ही देना है, ठीक है, अलग अलग पेपर नहीं देना है। जो लोग नए हो वो जान लो, जो लोग पुराने हो तो सब जान ही रहे होंगे। तो बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला आपका पॉइंट जो डिपिक्ट किया गया है आपके सिलेबस में वो है आपका साइंस का, सामान्य विज्ञान का है। तो हम कहाँ से पढ़ें, सबसे बड़ी बात, आपको अगर सामान्य विज्ञान लिखा गया है आपके उसमें कोर्स में तो कहाँ से पढ़ा जाए सामान्य विज्ञान, तो उसके लिए आप क्या क्या सोर्स अपना सकते हो ये ध्यान रखो। सोर्स में आपका है परीक्षावाणी, पहले आप परीक्षावाणी को फॉलो कर सकते हो, इसके तीनों पार्ट आते हैं, तो उसमें से मैं ये कहूँगा कि आप परीक्षावाणी में बायो वाला पार्ट लाओ, क्योंकि देखा गया है कि बायो से क्वेश्चन रहे हैं,
ठीक है, 17 में देखा गया, 16 में देखा गया, लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बात किया जाए तो उसमें 3 या 4 का रेशियो मिलता है आपका। तो लेना चाहो तो आपके पास नहीं हो कोई किताब अगर इससे, या लूसेंट की आपके पास हो पहले से, अलग वाली, सेम नहीं, कंबाइंड वाली जो आती है वो नहीं, जो अलग अलग सभी की आती है लूसेंट की, वो आप ले सकते हो। या सबसे बेस्ट आपका ये परीक्षा, मैंने बेस्ट से बेस्ट लिया है, ठीक है, जिसमें गलतियां कम मिले, जैसे लूटन में एक दो गलतियां, एक दो फैक्ट का कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है, वैसे अंतर तो इसमें भी आ जाता है परीक्षा वाणी में भी, मगर ये लोग हर बार अपने जो इनके एडिशन आते हैं उसमें चेंज करते रहते हैं जो उनका मिस्टेक होता है। तो ये ध्यान रखो, महेश बर्णवाल जी की आती है, ठीक है, ये सबकी एनसीईआरटी सार निकालते हैं, तो आप एनसीईआरटी सार जो है बायो की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की आप ले सकते हो तीनों का, ये सेम है आपका, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों आपका सेम वही करेगा। साथ ही साथ जब आप चैप्टर वाइज इसे पढ़ो कि आप एक चैप्टर यहां से खत्म कर लिए, मान लो बायो उठाए, बायो का एक चैप्टर आपने खत्म किया, तो आप घटना चक्र, जीसी एमसीक्यू लिखा है ना आपसे, तो ये घटना चक्र का एमसीक्यू आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जो चैप्टर आपने पढ़ा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, आप घटना चक्र उठाइए, जो पढ़े हैं उसके क्वेश्चन लगाइए, देखिए आपसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कौन से फैक्ट आपके छूट गए, फिर से उसको एक बार अगर आपके पास समय है तो आप रिवाइज करिए। और घटना चक्र उठा के जब पढ़ते समय आप खासकर आईएसपी जो वाला क्वेश्चन है उसे छोड़ दीजिएगा, जो आईएएस में पूछे गए हैं, यूपीएससी में जो पूछे गए हैं, लेकिन जो पीसीएस के हैं, लोअर पीसीएस के हैं, जो आरओ के हैं, क्वेश्चन जो वहां पे दिया गया है उसे आप अच्छे से पढ़िएगा, उसकी व्याख्यान को बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है, वहीं से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होते हैं आपके प्रीवियस, जो जिसको पकड़ता है ना आयोग, जिस टॉपिक को पकड़ता है उसी से इर्द गिर्द क्वेश्चन वो बनाता है, तो इर्द गिर्द मतलब आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे तो उससे व्याख्या में आप देख लोगे कि उसका सराउंडिंग क्या है, तो आपको आ जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से फैक्ट पे ज्यादा जोर देना है। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसमें बोला जाता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसे लिख लो, ये इसीलिए बताया जाता है क्योंकि वहां से आयोग बार बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट किया है, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ परीक्षा प्लस इसका कोर्स चला रहा है तो आप इसके नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है, परीक्षा प्लस के नोट्स भी हैं, आप उसे भी कवर, उससे भी आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन आपको किताबें लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है आप नोट्स, नोट्स का मतलब ये होता है जो हम नोट्स देंगे आपको लास्ट टाइम में, जब आप एग्जाम के एक महीना पहले हो, तो ये सब किताबें छोड़ दो, आप नोट्स उठाओ, उस नोट्स को जो जो, क्योंकि उसमें सभी किताबों के फैक्ट जो अब जब जहां तक आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन वो सब दिए रहे होंगे, उसको एक बार देख लेंगे, और आप पढ़े हैं तो आपके एग्जाम के एक महीना पहले आपको पूरा का पूरा चीजें रिवाइज हो जाएगा, इसके लिए नोट्स होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। अभी ना बोला कि सर सिर्फ नोट्स ले लें तो हो जाएगा, अरे 3 या 4 महीने आपको समय मिलेंगे, 4 महीने में खाली नोट्स पढ़ोगे आप 50-60 पन्ने का, किताबों को फॉलो करो, किताबें भी आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाएंगी, नोट्स तो हम देंगे बेहतरीन आपको कि आपका लास्ट मोमेंट में अगर पढ़ लो तो पूरा किताब आपसे रिवाइज हो जाए। उसके बाद से हम आते हैं भारत का इतिहास, ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका, भारत का इतिहास अलग है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका अलग से लिखा गया है। तो भारतीय, भारत का इतिहास में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो प्राचीन इतिहास के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप एस के पांडे जी को फॉलो कर सकते हो, इनकी तीनों आती है, मिडेवल आपका एंशियंट आता है, मेडेवल आपका मेडेवल आता है, मॉडर्न आता है, ठीक है, तो जिनके पास होगा वो तीनों आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है, अगर पढ़े हो तो। मध्यकालीन के लिए मैं यही बोलूंगा, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको इसमें मेंस डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं कि आपको सतीश चंद्रा बोल दूं और रामशरण शर्मा बोल दूं एंशियंट के लिए, विपिन चंद्रा बोल दूं, तो वो सब चीज़ें नहीं है, आपको फैक्ट बेसिस पे यहाँ आता है तो फैक्ट जहाँ दिया है उसको आप उठाओ, जिसके एस के पांडे जी हैं और मध्यकालीन और आपके प्राचीन इतिहास के, तो यहाँ से आप उठा सकते हो। प्लस आप घटना चक्र के MCQ, ठीक है, एक ही आती है इतिहास की, पूरा पूर्वालोकन आती है जो घटना चक्र वाली MCQ, उसमें आप एंशियंट और मेडिवल, देखो इसका पोर्शन वैसे आता है बहुत कम है, सबसे ज्यादा तो आपका देखो एक पॉइंट अलग से डिपिक्ट किया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब मॉडर्न इंडिया अलग से किया, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से अगर देखा जाए तो, आपके दोनों मिला लोगे तो 7-8 क्वेश्चन आपके अप्रोक्स मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम के 7-8 क्वेश्चन, ठीक। तो ये जान लो कि अगर आपके पास जैसा आपके पास टाइम होगा वैसे आप इसे शेड्यूल करोगे कि एस के पांडे हमें पढ़ लेना है दोनों के, ठीक है। उसके बाद से हम आते हैं
तीसरे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कौन सा खरीदे, तो आप एसके पांडे तो इसके लिए खरीद लो, वो सबके लिए आपका काम आएगा। अगर यूपी यूपीपीएससी 2021 के लिए भी तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस के लिए भी 21 की अगर तैयारी कर रहे हो प्री के लिए, तो उसमें भी आपका कवर हो जाएगा अगर एक ही साथ पढ़ लेते हो तो, आरओ तो हो ही जाएगा। और आपका जो मॉडर्न इंडिया है उसके लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हो, ठीक है, स्पेक्ट्रम फॉलो करो। स्पेक्ट्रम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एसके पांडे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास है तो एसके पांडे पढ़ो भाई, मैं यही बोलता हूँ, एक किताब है 4-5 बार पढ़ो। स्पेक्ट्रम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपको कहीं ना कहीं पीसीएस में भी अच्छा खासा स्कोर कराने के लिए कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे भी आपको अच्छा मदद मिलेगा। और मॉडर्न है इसीलिए मैं यहाँ पे किताब अलग से रखा हूँ, ठीक है। बाकी घटना चक्र के जो भी चैप्टर पढ़ो उसको चैप्टर फिनिश करने के बाद पूर्वालोकन उठाओ, उसके क्वेश्चंस करो, व्याख्या अच्छे से पढ़ो, ये सब में करना है आपको, ये चीज घटना चक्र सॉल्व आपको करना ही करना है अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो। आपको लास्ट टाइम में परीक्षा प्लस के जो नोट्स हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग हमसे जुड़ेंगे आरओ के कोर्स में उनको ये नोट्स पूरा दिया जाएगा। उसके बाद से भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए क्या फॉलो करें, तो पॉलिटी के लिए आप, मैं ये बोलूंगा कि एम लक्ष्मीकांत, आपको आरओ के लिए नहीं बोलूंगा, अगर पीसीएस की तैयारी करते तो इसलिए एम लक्ष्मीकांत बोलता है क्योंकि उसमें आप प्री और मेंस दोनों पढ़ सकते हो, लेकिन यहां आपको नहीं पढ़ना क्योंकि वहां डिस्क्रिप्टिव होता है तो लिखने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा। यहां आपको फैक्ट बेसिस पे जाना है तो आप परीक्षा वाणी को फॉलो कर सकते हो और बड़वाल जी की जो एनसीईआरटी सार आती है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप परीक्षा प्लस नोट्स और जो भी चैप्टर पढ़ो उसको घटना चक्र एमसीक्यू से रिवाइज करते रहो, उसके जो नई वाला घटना चक्र उठाना, क्योंकि नई वाली घटना चक्र में शुरुआत में क्या है उसके नोट्स दिए हुए हैं, उसके बाद से उससे रिलेटेड उस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहले नोट्स वाला उठा के एक बार वन लाइनर पढ़ लेना, उसके बाद से आप क्वेश्चन पे जाना, ठीक। किताबें तो ये परीक्षा वाणी आप पढ़ ही रहे हो मैक्सिमम फैक्ट कवर करने के लिए, तो ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद से अर्थव्यवस्था में भी वही चीज करना है आपको, इकोनॉमिक्स में भी वही करना है। इकोनॉमिक्स में आपका करंट इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स देखा गया है तो 7 से 9 क्वेश्चन के अप्रोक्स आता है, तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के लिए आप परीक्षा वाणी फॉलो कर सकते हो। और करंट इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या फॉलो करना है, आपको करंट इकोनॉमिक्स के लिए कि आपका घटना चक्र की आर्थिकी आती है मैगजीन, उसको खरीद लीजिए, पूरे साल भर की आर्थिकी रहेगी उसमें, वो करंट से रिलेटेड जितना इकोनॉमिक्स की चीजें होंगी आप वहां से कवर कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि घटना चक्र की क्या पढ़नी है आपको, आर्थिकी पढ़ना है जिसमें करंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी परीक्षा वाणी अर्थव्यवस्था के ट्रेडिशनल चीजें पढ़नी है, स्कीम स्कीम सब पढ़ना है, पुराने जो स्कीम पढ़ना है वो परीक्षा वाणी, और जो करंट के होंगे वो आर्थिकी में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, घटना चक्र के। बाकी एमसीक्यू तो करना ही करना है, ये ध्यान रखना, दोनों के, अर्थव्यवस्था के भी आपको घटना चक्र एमसीक्यू करना है और पॉलिटी के भी एमसीक्यू करना है। आ जाओ 5वें नंबर पे, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए क्या पढ़े, तो कुछ नहीं पढ़ना है यहां से आपको, परीक्षा वाणी मतलब कुछ नहीं पढ़ना है, बोल दूं ना, तीसरा मतलब कुछ ना पढ़ना, परीक्षा वाणी उठाना क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, वो पूरा टाइम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर टाइम नहीं होता, क्योंकि देखो 3 से 4 महीने आपको मिलेगा, तो कोई ऐसा चीज ना छोड़ो कि इसी बार पढ़ लो कि आपका आरओ भी हो जाए और पीसीएस प्री भी हो जाए, ठीक है। तो ये परीक्षा वाणी को फॉलो करना, घटना चक्र की एमसीक्यू लाना, उसे आप लोग पढ़ना, बाकी लास्ट मोमेंट में हमारे नोट्स जो है आपके रामबाण की तरह काम करेंगे, तो उसे आप लोग रिवाइज करोगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, ठीक है, तो यहां से इसके लिए आप ले सकते हो अभी परीक्षा वाणी ले सकते हो, और घटना चक्र एमसीक्यू आप जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे एमसीक्यू करते जाओ सब में। देखो परीक्षा वाणी में इसलिए बोला हूं कि ये फैक्ट इसमें पूरा का पूरा निचोड़ है, जितना चाहो उतना फैक्ट दिया गया है, ठीक। चलो आ जाओ उसके बाद से हम भूगोल की बात करते हैं, विश्व और भारत का भूगोल, ये आपका आता है, पीसीएस में भी आता है और इसमें भी क्वेश्चन आपका पूछता है। चलिए तो इसमें देखते हैं, जैसे भारत के भूगोल की बात करें तो भारत वाले में आपसे कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा, तो भारत में आपका जो होगा महेश बड़वाल जी की आप ले सकते हो, एनसीईआरटी सार ले सकते हो, या
उनकी किताब ही आती है। अगर आप पढ़ना चाहते हो पीसीएस मेंस की भी, अगर साथ ही साथ सोच रहे हो कि इसी बार पढ़ लें, टाइम मिला है ज्योग्राफी को, तो आप बर्णवाल, महेश बर्णवाल, एनसीईआरटी सर नहीं, सिर्फ बर्णवाल आती है महेश बर्णवाल की, जो ज्योग्राफी आती है इंडियन ज्योग्राफी, उसे आप पढ़ लो, तो आपका प्री और मेंस दोनों के लिए हो जाएगा यूपीपीएससी। अब बाकी आरओ एकदम डेडिकेटेड नहीं, मुझे आरओ ही पढ़ना है, तो आप एनसीईआरटी सर से भी कवर कर सकते हो, पूरे फैक्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास परीक्षा वाणी है तो आप चाहे इसको फॉलो कर लो, चाहे परीक्षा वाणी को फॉलो कर लो। विश्व भूगोल के लिए, विश्व भूगोल के लिए मैं बोलूंगा आप वही चीज, या तो महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार ले लो, पूरी एक अलग किताब आती है विश्व भूगोल की, या परीक्षा वाणी ले लो, उसमें भी आपकी अलग ही आती है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि घटना चक्र का एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है, ये नहीं कि लास्ट मोमेंट के लिए उसे रखो, ठीक है, घटना चक्र का एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है, और परीक्षा प्लस के नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। छठवें पॉइंट को देखिए, आठवें पॉइंट को देखिए, आठवां क्या है आपका, समसामयिकी मुद्दों, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड कहां से पढ़ें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब बन रहे हैं, 17 में तो बहुत कम आए थे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, लेकिन अभी जो 16 वाला एग्जाम हुआ है ना, री एग्जाम जो हुआ कैंसिल होने के बाद, वहां देखा गया इसका वेटेज ज्यादा हो गया। और अभी रिसेंट में जितने भी पीसीएस आपके हुए हैं 17, 18, ठीक है 19, अब 20 वाला जो आपका पीसीएस हुआ है, जितने भी पीसीएस हुए, करंट का वेटेज बढ़ा है। तो करंट के लिए क्या पढ़े, तो करंट की आदत ये लास्ट मोमेंट वाला मत डालना, ये ध्यान रखना। आप लोग 30 रुपये या 35 रुपये की क्रॉनिकल की मासिक पत्रिका आती है, आप उसे फॉलो करो, या घटना चक्र की मासिक ले लो, ठीक, दोनों में से कोई एक ले लो, ठीक है, अच्छे से उसे पढ़ो, जितने भी उससे रिलेटेड चीजें दिया रहता है वो साथ में आपको पूरा दिया रहेगा, करंट भी, करंट इवेंट भी दिया रहेगा, और उसके पास्ट इवेंट भी दिया रहेगा, मतलब उसका अगर कोई, मान लो आपका कोई संगठन है तो ये भी बताएगा ये संगठन कब गठित हुआ, इसके कितने मेंबर हैं, अब करंट में कितने लोग हैं इससे रिलेटेड, वो सब चीजें बताता है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये किसी चीज के भरोसे मत रहना कि मैं लास्ट मोमेंट में करंट जहां से वीडियो पाऊंगा उठा के टेक डालूंगा, ठीक, उसमें कंफ्यूज हो गए और पक्का पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करके आओगे। और सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो समझ लो, इसे गांठ बांध लो कि अगर करंट के क्वेश्चन आप नहीं सही किए, करंट पे पकड़ नहीं बनाए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आ जाओ, चाहे वो आरओ हो चाहे आपका पीसीएस हो, ये ध्यान रखो। 9 नंबर पे आ जाओ, आपको रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, रीजनिंग के लिए क्या फॉलो करोगे, देखो जितना परीक्षा प्लस पे चल रही है क्लासेस उसे अटेंड कर लो, उतना में आपके 15 क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग, ये फिक्स होता है आरओ में, ठीक है, तो ये आप आराम से कर ले जाओगे, खासकर आपके सीरीज वरीज वाले कोडिंग डिकोडिंग यही सब आता है। अगर आपको किताब लेनी है, आप चाहते हो प्रैक्टिस करना, तो आरएस अग्रवाल ले सकते हो, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग के, बाकी आप चैनल पे जाओगे, काफी वीडियो पढ़े हैं, काफी प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, आप ले सकते हो। 10 नंबर पे आते हैं, ये आपका बोल रहा है उत्तर प्रदेश, ये काफी महत्वपूर्ण है आरओ के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बाकी पीसीएस में तो आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले इस बार, 20 में 19 में 1 क्वेश्चन देखने को मिला था, तो बात करें आरओ में तो 16 में आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिला है, 17 में भी देखने को मिला था, तो इसमें क्या आप पढ़ सकते हो, किसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये सब आपके क्या है, सिलेक्शन दिलाने के पॉइंट है, छोटा सिलेबस है, पढ़ लोगे एक बार में खत्म हो जाएगा और सिलेक्शन यहाँ से पक्का हो जाएगा आपका। तो किसको फॉलो करना है, आपको परीक्षा वाणी को फॉलो करना है, और किसी को नहीं फॉलो करना, परीक्षा वाणी ही पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ो, सभी फैक्ट उसके रट डालो, वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और बाकी जो करंट पढ़ रहे हो, करंट में जो भी मुद्दा आता है यूपी का, उसे अच्छे से हाईलाइट करके रखे रहो कि ये यूपी का मुद्दा है, ये चीजें यहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब ध्यान रखना। अब आ जाते हैं नोट्स, आपको परीक्षा प्लस का जो मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पत्र पे, ये पहला पेपर होता है आपका, पहले पारी में होता है, जिसमें 140 क्वेश्चन होता है, ठीक है। पेपर वन आपका क्या होता है, जीएस का होता है, 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बता दें कि अभी तक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, मगर जो 16 वाला आया है इसमें बाद में नेगेटिव मार्किंग कर दिया गया, नोटिफिकेशन आपको देखे कि 1/3 नेगेटिव होगा, ठीक। तो आप जब जो भी पेपर होगा वो तो नेगेटिव होना ही है, 1/3 ये आयोग का है, 1/3 आपका नेगेटिव होगा। तो 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स जीएस पेपर वन में आपके आते हैं आरओ के। पेपर टू होता है दूसरे पाली में, 1 घंटे का पेपर होता है, वो पहला वाला आपका 2 घंटे का पेपर होता है। ये 1 घंटे का पेपर है आपका, 60 क्वेश्चन होते हैं,
60 क्वेश्चन आपके होते हैं, ये हिंदी का है। और समझ लो अगर आपको आरओ में सिलेक्शन, आरओ एरओ में सिलेक्शन लेना है, तो अगर आप हिंदी बेटर कर ले गए, हिंदी में अच्छा खासा स्कोर कर ले गए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मतलब कि अगर ये 60 आए तो आपको 55 से कम नहीं करना है किसी कीमत पर, क्योंकि आसान से क्वेश्चन होते हैं, सब बच्चे इसमें इतना ही स्कोर करते हैं, ये ध्यान रखना। कुछ तो 58-58 तक चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि हमें 60 में 55 गिरे हालत में करना, अगर इससे कम किए तो अगर आप अच्छा से आपका जीएस पेपर वन नहीं हुआ है तो भूल जाओ आरो, ठीक। तो इसलिए इस पे आधे फोकस होना है कि भैया 60 क्वेश्चन है, आता है कुछ नहीं है, सिर्फ समझ लो आपको रटने वाली चीज आती है, ना कोई ग्रामर आता है ना कुछ आता है, ठीक है। सभी से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, देख लो सिलेबस में क्या है, विलोम शब्द है 10 क्वेश्चन आपका आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 10 क्वेश्चन आपका आएगा, सभी से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन सभी से रहेगा। तीसरा है आपका विशेष और विशेषण है, विशेषण और विशेष से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा आपका वो पड़ता है, लेकिन इसे भी जब पढ़ लोगे ना तो आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद से वाक्य एवं वर्तनी की शुद्धि आएगी 10 क्वेश्चन, ठीक है। 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन हो गए। तत्सम तद्भव आप लोगों का आएगा, जो सब रटते ही हो, ठीक। तो ये सब वही है, पर्यायवाची शब्द आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके समझ लो कि सिलेक्शन का यही है मूल मंत्र, की अगर हिंदी में 55 सही तो आप क्या हुए, सीधे एंट्री हो गए, आपका सिलेक्शन श्योर है आरओ में, ठीक। तो अगर इसमें 55 क्वेश्चन कर ले जाते हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें कोशिश करो, आज ही से दे बना लो कि इसमें भैया गलत नहीं करना है, हमें इसमें 100% स्कोर करना है। उसके लिए किताबें क्या फॉलो करनी है, ध्यान रखो, हरदेव बाहरी, वासुदेव नंदन, और जो आपको अगर नोट्स दिया जाता है परीक्षा प्लस का दिया जाएगा, उसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो इन दोनों में ये नहीं पूरी किताब पढ़नी है, क्योंकि बाकी सब तो इसमें ग्रामर का पोर्शन है, इसमें जो ये वाले पोर्शन है अनेक शब्दों के लिए, ये बहुत होगा तो 50-60-40-50 पेज होगा, उसी को आपको पढ़ना है, दोनों किताब मिला के। मतलब 40-50 पढ़ना है इसका, 40-50 पढ़ना है इसका, 100 पढ़ना आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी कहोगे नहीं कि कुछ ऐसे होंगे जो शब्द इसमें भी मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे, लेकिन दोनों किताब में इसीलिए बताया कि शब्दों का भंडार आपके पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसके मिल जाएंगे आपको और कुछ इसमें नए मिल जाएंगे, तो दोनों जब पढ़ लोगे, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्द, तो आपको सफिशियंट हो जाएगा इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए। और एक बार नहीं, कम से कम 5 बार पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट टाइम वाले हो तो 5 बार पढ़ो इसे, ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं, अब ये तो सिलेबस के बारे में हो गया, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कि हम कैसे सिलेक्शन लेने के लिए हम शुरुआत कैसे करें, किस सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट किए। अब मैंने किताब बता दिया, आप गए पगला के किताब लेकर आए, इतिहास खोल के प्राचीन इतिहास पढ़ना शुरू कर दिए, नहीं। आपको करना कैसे, आप पहले क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर उसको एनालाइज करो कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, किसको पढ़ेंगे तो हमारा जो है फायदा होगा, ठीक है। किसे पढ़ने से हम ज्यादा गेन कर सकते हैं और ज्यादा स्कोर बना सकते हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपको एनालिसिस लेकर जो आया हूं उससे, कि आपको इस पॉइंट पे फोकस होना, क्योंकि देखो क्वेश्चन इतने आए हैं, अगर इसे छोड़ दिए, इसको बाद के लिए छोड़ दिए कि बाद में पढ़ेंगे, तो बाद में आपके पास ऊपर प्रेशर आ जाएगा, और जब प्रेशर आ जाएगा तो जो पढ़े लिखे वो भी गुड़ गोबर हो जाएगा, इतना जान लेना। चलो तो देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलो आ जाओ, ये 16 अभी जो एग्जाम हुआ है, री एग्जाम जो आपका हुआ है, उसमें उसकी भी एनालिसिस में लेके आया हूँ, और 17 में जो पेपर आपका हुआ था उसका ले आया हूँ। 13 वाला का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वहाँ पैटर्न, मतलब वो कुछ और ट्रेंड था 13, अब 17 से मेन लिया जाएगा आपका जो चल रहा है। तो 16 और 17 का मैं ट्रेंड आपको बता दे रहा हूँ, आप उस पर एनालाइज कर लेना कि हमें पढ़ना किस पे है। रहा आपका वही भी सेम रहा था 13 वाला भी। अब हम आपको बात करते हैं विषय के बारे में कि किसको देखें, तो इतिहास में देखें तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये 3 पार्ट हैं आपके, डिवाइड है, जैसे मैंने आपको सभी के किताबें बता भी दिया था। अभी जो हम बात करें, जो 16 में का एग्जाम था, जो री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें आपके क्वेश्चन जो पूछे गए प्राचीन इतिहास से, भैया 2 से 3 क्वेश्चन मिला है। और 17 की बात करें तो 4 प्रश्न मिला है। अब देखना, तुम खुद ही बताना कि क्या शुरुआत करना है पढ़ने, शुरुआत किससे करना है। मध्यकालीन के 4 क्वेश्चन है, और यहाँ पे 2017 में 8 क्वेश्चन है, और आधुनिक के 16 क्वेश्चन आ गए भैया। 16 वाला जो आपका एग्जाम हुआ 20 में, उसमें 16 क्वेश्चन आ गए, और 17 वाले में सिर्फ 10 क्वेश्चन थे।
सिर्फ 10 क्वेश्चन थे, इसीलिए वहां पे मॉडर्न का पॉइंट अलग से आपको क्या किया है, पॉइंट किया है, डिपिक्ट किया है कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से पढ़ना है, मतलब अलग पॉइंट बना के दिया है, बाकी भारतीय इतिहास तो दिया ही दिया है पूरा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि हमें शुरुआत जो करना है वो मॉडर्न इंडिया से करना है। ठीक है, बाकी आप नहीं भी पढ़े हो, मान लो अगर आपका 2 महीने बाद एग्जाम हो रहा है, तो आप इसको घटना चक्र एमसीक्यू अगर सॉल्व कर ले गए, तो इसमें अगर आपका 8-4 12 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप 100% मैं श्योर हूं कि आप 8 क्वेश्चन 12 में से 8 से 9 क्वेश्चन कर ले जाओगे। 8 से 9 क्वेश्चन अगर आप सिर्फ घटना चक्र सॉल्व किए हो तो 8 से 9 क्वेश्चन कर ले जाओगे। व्याख्या सही दिया नहीं, खाली क्वेश्चन पढ़ के निकल गए, व्याख्या अच्छे से डिटेल में सॉल्व किए हो, डिटेल में पढ़े हो चीजें, उसके जो घटना चक्र के फ्रंट में हर चैप्टर के नोट्स होता है उसको पढ़े हो, तब 8-9 क्वेश्चन कर ले जाते हो। हाँ, अगर आपको समय ज्यादा मिलता है, ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद, एग्जाम काफी दिनों बाद होता है, 4-5 महीने बाद होता है, तो आप पढ़ो, पहले मॉडर्न खत्म करो, स्पेक्ट्रम से पढ़ के खत्म करो, घटना चक्र उसका सॉल्व करके खत्म कर लो, उसके बाद से एसके पांडे जी को उठा लो और आप मेडिवल और एनसीएंट पढ़ डालो और फिर उसके एमसीक्यू कर डालो। ठीक है, तो आपके वो पीसीएस का बेस्ड बन जाएगा, ठीक है, प्री का भी बेस्ड बन जाएगा और मेंस के लिए भी आप अच्छे खासे तैयार हो जाओगे, ये ध्यान रखना। बाकी जैसा होगा, जैसा समय मिलेगा वैसे स्ट्रेटेजी में लेके आऊंगा एक बार और। ठीक, तो कुल प्रश्न 22 से 23 यहां भी पूछा था और 22 प्रश्न आपके 17 में भी पूछा था। देखो, 22 यहां भी पूछा और 22 वहां भी पूछा था, तो नंबर ऑफ संख्या वही है, लेकिन इन सबों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि यहां 16 पूछ लिया था, जैसे यहां 8 पूछा था मेडिवल 17 में, लेकिन यहां कम कर दिया, 4 कम किया तो इधर बढ़ा दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे आ जाओ, उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष छोटा सिलेबस भाई साहब, और स्कोरिंग का स्कोरिंग है, देखो 19 प्रश्न पूछा था 2017 में, बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत ज्यादा हो गया 19 प्रश्न, समझ लो कि अच्छा खासा प्रश्न हो गया। 16 वाला जो 20 में हुआ, इसमें आपका 13 प्रश्न आया है, कितना आया है, 13 प्रश्न आया है 2016 वाले में, 13 प्रश्न आया, 13 भी बहुत होता है, एक तो सिलेबस बहुत कम है, कुछ ही कुछ आपको पढ़ना है इसमें, कुछ स्पेशल स्पेस पर पढ़ना है कि कौन कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सब चीजें जानना है आपको, वहीं से मैचिंग आता है आपको पूरा का पूरा, आपको कूट से आएगा, ठीक है, कि ये इसके लिए मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, ठीक है, अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके यूनिवर्सिटी कौन कहाँ है, इन सब चीज़ों से आपसे क्वेश्चन बनाता है, तो आप मैचिंग से आप ये पूरा मैंने जो बताया कि आपको परीक्षा वाणी पढ़ लो, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ के आप 100% इसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से विज्ञान वाली बात आ जाए, तो विज्ञान पे देखते हैं, टोटल क्वेश्चन विज्ञान से 10 क्वेश्चन इस बार पूछा था और इससे पिछले में 17 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 2017 में 17 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस बार कम हो गया। देखो कहाँ, भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से आपका क्वेश्चन कितना पूछा इस बार, जो 20 है तो 16 का पेपर लेकिन हुआ 20 में, तो सेट तो 20 में हुआ होगा, 2 क्वेश्चन फिजिक्स का पूछा है, तो इसीलिए मैं बोला फिजिक्स पे आपको नहीं ज्यादा जोड़ देना है, किस पे जोड़ देना है आपको, इस पे जीव विज्ञान पे देना है, क्योंकि 17 में 10 क्वेश्चन पूछा था, भला ही इस बार जीव विज्ञान से क्वेश्चन नहीं रहे, इस बार रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से क्वेश्चन 5 आ गए थे, और 17 में आपके कितने आए थे, 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तो एकदम जनरल क्वेश्चन आता है, अब अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो वैसे भी आप कर ले जाओगे, तो आपको क्या करना है, मेनली बायो पे फोकस होना है, कि देखो 17 में 10 आया था, इसमें भला ही 3 आया, लेकिन यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे वो पीसीएस हो, ठीक है, चाहे आरओ हो, यहाँ 16 वाले में नहीं बना वो दूसरी बात है, लेकिन बनता है, ये ट्रेंड चलता है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो इसको आपको जीव विज्ञान फॉलो करना है, जो मैंने बताया, परीक्षा वाणी ले सकते हो या आप बर्नवाल जी की एनसीईआरटी सार ले सकते हो। ठीक, तो कुल प्रश्न 10 आए थे और इधर 17 आए थे। आ जाओ अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 13 प्रश्न आए थे, 16 वाला जो अभी एग्जाम हुआ है, और पिछली बार 2017 में जो एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है, पिछली बार 2018-19 कुछ नहीं आया है, जान लेना आरओ का, आप सीधे 20 वाला आने वाला है। ठीक, तो 17 में जो था वो 14 प्रश्न पूछे थे, अब इसमें मैं 13 में जो एनालाइज किया हूँ, इसमें करंट इकोनॉमिक्स के आपके 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, 4 क्वेश्चन थे, शायद 4 से 5 थे, और आपके ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स अगर बोला जाए तो आपके 9 क्वेश्चन आपके ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के थे। ठीक है, तो इनके लिए मैं ट्रेडिशनल के लिए बुक बता दिया, आप परीक्षा वाणी फॉलो कर लो, और करंट के लिए आपको घटना चक्र की आर्थिकी फॉलो करना है। ठीक है, पूरा का पूरा, तो ये आपका आर्थिक, यहाँ से अर्थव्यवस्था भी, ये नहीं सोचना कि अर्थव्यवस्था आता नहीं है, आ रहा है भैया, आरओ में आएगा,
ठीक है। और ऐसा नहीं, पीसीएस में भी अब क्वेश्चन आते हैं, ट्रेडिशनल के भला ही आपके 5 होंगे मगर करंट और वो दोनों मिला के आपके इतने ही क्वेश्चन, 13 से 15 क्वेश्चन पीसीएस में भी हो जाते हैं। ठीक, चलो आ जाओ। अब भैया रीजनिंग वाला पोर्शन देख लो, ये तो फिक्स है 15 प्रश्न आएगा, 15 प्रश्न पिछले 2017 में भी आया था और इस बार भी आया है, तो 15 तो ये आएंगे, 15 इसे भी कर लो, छोटा सिलेबस है। जो जो आपके वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले और पीसीएस में जाना चाहते हो, आरओ देना चाहते हो, उनके लिए तो आसान है भाई, 15 ये कर लो। आपका जो है क्या नाम है, यूपी अच्छे से तुम लोग पढ़ते ही हो, पढ़ते हो और अदर एग्जाम के लिए, तो वो भी आपका आपके फेवर में है, बाकी इसे कवर कर लो, मॉडर्न इंडिया कवर कर लो, मॉडर्न आप लोग पढ़ते ही हो तो वो कवर कर लो, तो ये आपके क्या अच्छे खासे क्वेश्चन बन जा रहे हैं जो सिलेक्शन की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जनगणना और नगरीकरण और मिसलेनियस और भी कुछ इसी से रिलेटेड आपके टॉपिक। तो जनगणना से रिलेटेड आपका इस बार 7 क्वेश्चन था, मतलब 16 वाला जो अभी एग्जाम हुआ है, और पिछली बार इससे ज्यादा क्वेश्चन आया था 17 में, 12 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये ऑन अप्रोक्स आपका 7 से 12, 10 से यही आपका वेरी करेगा इसी में। तो जनगणना भी आपको पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया, परीक्षा वाणी को फॉलो करना है आपको। ठीक है, उसके बाद से भूगोल में आ जाओ, तो विश्व भूगोल के 5 क्वेश्चन थे जो री एग्जाम हुआ है 16 वाला 20 में, और इंडियन भूगोल से जो है आपका, भारत भूगोल से जो था आपका कितना था, 14 क्वेश्चन थे। तो भूगोल का भी जो रीसेंट में देखा जा रहा है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आपके आरओ के एग्जाम हो, चाहे कोई एग्जाम अभी बीओ हुआ था, उसमें भी भूगोल का वेटेज आपका बढ़ रहा है। तो भूगोल का वेटेज जो बढ़ा है कितना हो गया, 15, 14 और 5, ठीक है, टोटल 19 क्वेश्चन आपका हो गया, और इससे 2017 में सिर्फ 11 क्वेश्चन आए थे। तो वही बात है, कहीं कम चीजें हुई हैं तो कहीं ज्यादा हुई हैं। जैसे ज्योग्राफी बढ़ा है तो इधर की चीजें, जैसे यूपी कम हुआ था आपका, 13 ही पूछा, पिछली बार 19 पूछा था, तो वो चीजें यहाँ पे आपका मेंटेन किया कौन, ज्योग्राफी। उसके बाद से करंट आ जाओ भैया, इस बार तो धुआं मचा दिया था करंट, पिछली बार बोला गया, कहा जा रहा था 17 वाले में शायद 9 से 10 क्वेश्चन आपके, 9 से 12 के अप्रोक्स थे, 9 लिखा है, 9 से 12 के अप्रोक्स क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार तो धुआं मचा दिया भाई, 25 क्वेश्चन है करंट के। कितने हैं, जो 16 का री एग्जाम हुआ 25 क्वेश्चन है, तो ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा, मैंने आपसे बोला। तो इसीलिए एक मासिक करंट अफेयर जो कि आपकी आती है क्रॉनिकल या घटना चक्र की, उसमें लापरवाही ना करो, वहां सेविंग ना बचाओ, 30 रुपया में कहीं तुम्हारा कुछ जो है बिला नहीं जाएगा, कुछ भी आपका खत्म नहीं हो जाएगा। 30 रुपया अगर महीने का खर्च करते हो तो अच्छा खासा तुम लोग एक बार प्री में स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वेटेज भाई करंट का हर एक एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए अगर लास्ट मोमेंट में आप सोचोगे, किसी कोचिंग के भरोसे रहोगे, तो पक्का है सिलेक्शन नहीं होगा, मैं 100% सही बोल रहा हूँ। चलो आ जाओ, ठीक है, तो इसे आप लोग फॉलो करते रहना जो मैंने बताया है, कि आप कोई मासिक पत्रिका ले लो, अच्छे से पढ़ो, नोट्स अपना बनाना हो तो बनाओ। ठीक, तो ये इसे पे ज्यादा पॉइंट आउट करो कि मुझे करंट अच्छे से पढ़ना है, करंट पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, ठीक है, और आपको पॉलिटी पढ़ना है। आज पॉलिटी वाला, पॉलिटी एकदम आसान है भाई, राज व्यवस्था देखो, राज व्यवस्था के 10 क्वेश्चन आए थे इस बार, 7 प्रश्न आपके 2017 में आए थे, और ये 16 वाला जो एग्जाम हुआ है 20 में, इसमें आए हैं 10 प्रश्न। तो 10 प्रश्न में मैं आपको बता दूं, वही वही चीज पढ़ लो, समझ लो, उससे 5 क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा, आर्टिकल पढ़ लो, भाग पढ़ लो, शेड्यूल पढ़ लो, यही मैचिंग कराने के लिए आएगा कूट में। ठीक, तो ये आप अगर कर ले जाते हो तो 10 में से बिना पढ़े, इतना मैं बोल दूं, खाली उतना ही रट के चले जाओ तो 5 क्वेश्चन करके आ जाओगे। अगर आपने बर्णवार की एनसीईआरटी सार पढ़ लिया है, या परीक्षा वाणी पढ़ लिया राज व्यवस्था वाली, पूरा फैक्ट आपने कवर कर लिया एक दो बार पढ़ के, तो ये 10 में से आप 10 कर सकते हो, इतना ध्यान रखो, ये 10 के 10 आपके हाथ में है, और सिलेबस भी इसका कम है, कहीं ना कहीं अगर हिस्ट्री से कंपेयर किया जाए तो इसका सिलेबस कम है, और आपके 10 मार्क्स दे जो है 10 क्वेश्चन आ भी रहा है। पर्यावरण की बात कर लिया जाए तो पर्यावरण के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आपके पिछली बार पूछा गया था 2017 वाले में, जो पिछला हुआ था आरओ 17 में, आपके 7 प्रश्न थे, इस बार 4 प्रश्न आए थे, ये भी आप कवर कर सकते हो। आपकी इतनी मोटी किताब है एनसीईआरटी बर्णवाल जो आपके महेश जी की, वो सभी के एनसीईआरटी सार निकाले हैं, वो तो ले ही लो सबकी, ठीक है, उसे पढ़ लेते हो तो कोई भी आपका ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं किताबों के, वो कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये 4 प्रश्न आप उसे भी कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेड सिलेबस है, सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीजों के लिमिटेड सिलेबस है, आपको जितना दिया उतना ही पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चन बनता है, और प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो इसके, मैंने बोला ना घटना चक्र सॉल्व कर लो इन सभी के। ठीक है, जो भी हो घटना चक्र आप जिसकी जितनी पूर्वलोकन आती है जिसकी जिसकी, वो सबको सॉल्व कर लो,
सब कुछ फिनिश हो जाएगा, जान लेना। आ जाओ नेक्स्ट कृषि पे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और 17 में आपके 7 क्वेश्चन पूछा था। तो यही बात है, जो 7 था वो 3 से 4 इस बार बोला था, बाकी करंट में वेटेज बढ़ाया है, इधर इधर बढ़ा कम किया है, तो करंट वाला वेटेज बढ़ गया है। तो एग्रीकल्चर भी आप पढ़ सकते हो, ठीक, मैंने बताया परीक्षा वाणी ले लो, उसे फॉलो कर लो, बेस्ट है आप MCQ कर लो, 100% आपका हो जाएगा जितने भी इससे क्वेश्चन आएंगे। चलो ये तो हो गया, ये आपका पूरा का पूरा कि आपको कैसे पढ़ना है। तो शुरुआत कहाँ से करोगे, मैंने यही तो बोला था कि शुरुआत कहाँ से करना है। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, करंट। तो करंट को आदत बना लो, हैबिट बना लो, जैसे आप कर्मन से बोलते हैं कि उसे सुबह की चाय बना लो, तो चाय की तरह उसे ट्रीट करो, रोज सुबह सुबह उठो, ठीक है, तो उसे कहीं से ना कहीं से न्यूज़पेपर पढ़ो, तो न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ते हो तो ऑथेंटिक पढ़ो, जनसत्ता उठाए, मेन मेन हेडिंग देख लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, पढ़ के खत्म कर दिए, ठीक है। अब ये नहीं कर अमर उजाला उठा लिए, कौन किसके साथ फरार हो गया, कौन किसके साथ भाग गया, ये सब वाला न्यूज़ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी आप राज्यसभा TV को फॉलो कर सकते हो, मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप रात में सोते समय कान में लीड लगा लो और जो भी कुछ इन्फॉर्मेटिव है वो आप वहाँ से कैच कर सकते हो। बाकी सबसे बेस्ट आपका है कि आप क्या करो, मासिक पत्रिका लाओ, जो भी मैंने बताया घटनाचक्र या क्रॉनिकल, उसे आप डेली एक एक पेज पढ़ के उसे महीने के अंत तक खत्म कर दो, पूरा का पूरा, एक बार नहीं 2-3 बार खत्म कर दो उसे, ठीक है। तो करंट को आपको पहले फोकस करना है कि मुझे करंट में हर महीने का अच्छे से स्ट्रांग करना है, उसके बाद से आपको मॉडर्न इंडिया को टारगेट करना है और राजव्यवस्था को टारगेट करना है, इन सबको पैरेलल लेके चलना है, मॉडर्न इंडिया, राजव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद नंबर आप लगाओ किस पे, ज्योग्राफी पे, ठीक है, ज्योग्राफी पे आप नंबर लगाओ किस पे, भारत के भूगोल पे, आपका जो विश्व का भूगोल है एकदम स्टैटिक आएगा, उसको आप 10-15 दिन में भी खत्म कर सकते हो, ठीक है, स्टैटिक वाला। भारत भूगोल उठाओ ताकि आपका अच्छा खासा कवर हो जाए, कई पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो सकता है, किताब अच्छे से पढ़ते हो तो ये मेन मेन जो सब्जेक्ट हैं आपके पास टाइम है, जब तक ये पढ़ डालो, उसके बाद से जब आपको पूरा इस पे पकड़ बन जाए आपके मेन सब्जेक्टों पे, तब छोटे छोटे सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में उठाओगे एकदम याद रहेगा, ताजा ताजा जाके एकदम ठूस दोगे वहीं पे, ठीक है। जैसे जैसे आपका, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है, आपका साइंस वाला सब्जेक्ट हुआ, पर्यावरण हुआ, जनगणना हुआ, ठीक है, नगरीकरण, ये वाला जितने हुए आपके, ये लास्ट मोमेंट में, मतलब ये नहीं कि लास्ट मैंने बोल दिया तो एक महीना पहले उठाओ, ठीक है, जैसे आपको मौका मिले, जैसे आप डिवाइड कर सको, जो डिवीजन आपका होगा कि अगर 6 महीना का समय मिला है तो आप 3 महीना इधर दे दो, 3 महीना उधर दे देना, ठीक है, 5 महीने का मिला है तो 2.5-2.5 महीने में कुछ समय डिवाइड कर लो, ऐसा कि हमें मेन आपका 3 महीना मेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बाकी सब्जेक्ट में 2 महीना देना है टाइम, ठीक, इस टाइप से। बाकी टेस्ट सीरीज भी आप लोग सॉल्व करते रहना, टेस्ट सीरीज देते रहना, अपना खुद का परफॉर्मेंस देखना कि कैसा मेरा परफॉर्मेंस है, ठीक, वो चीज़ें। तो ये सब कोर्सेस आपको परीक्षा प्लस टीम प्रोवाइड कराएगी। आ जाते हैं आप कट ऑफ के, भैया हम इतना मेहनत कर लें तो हमें कितना करना है मेहनत, ये जान लो, क्योंकि बिना ये जाने आप लोग क्या होगा, सोते हुए पढ़ोगे, तो जान लो कि कट ऑफ कितनी जानी है। जैसे हम बात करते हैं 13 की, आरओ एआरओ जो 2013 का था, उसमें आपके सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ गया था, भैया आरओ की मैं बात कर रहा हूँ, एआरओ की नहीं बात कर रहा हूँ, 148 अंक गया था। अब अंक और क्वेश्चन आपका सेम ही हो गया, निगेटिव मार्किंग नहीं था उस समय, दिखाया विदाउट निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आपके 148 क्वेश्चन अगर आप सही करते किए, जो किया था उसका सिलेक्शन हुआ था। पिछड़ा वर्ग वाला भी सेम कट ऑफ था, महिला का 132 अंक था, मतलब 132 क्वेश्चन पे, अनुसूचित जाति का 131 और अनुसूचित जनजाति का 117। ये है आपका क्या है, 2013 का जो आरओ हुआ था उसका कट ऑफ था, देखो कितना आ गया है, ठीक है। अब 2017 की बात करें तो यही आपको टारगेट करना है कि हमें 140 से 45 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है, ये नहीं करना नहीं है, इतना ही ना करके आना 200 क्वेश्चन में से, ये 200 क्वेश्चन से है, ये जीएस से पेपर से नहीं है, 140 का जीएस और 60 का हिंदी, ये 200 क्वेश्चन हुआ, 200 क्वेश्चन में से 148 क्वेश्चन आपको, चाहे 148 अंक आपको लाना था। तो यही टारगेट भी आपका होना चाहिए कि 140 के आसपास, 140 से 45 के बीच में हम आए। अब 17 की बात कर लें,
जो 17 वाला हुआ है, क्योंकि यही तक आयोग ने दिया। अभी जो 16 वाला एग्जाम हुआ 2020 में, उसकी कट ऑफ ये नहीं दिया, क्योंकि अब नया ट्रेंड चल रहा है आयोग में कि ये सब कुछ फाइनल होने के बाद बताएंगे। ठीक है, पहले एक कट ऑफ लिस्ट आ जाती थी, लेकिन अब नहीं, सिर्फ सीधे रोल नंबर आता है। तो ये भी, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं था 17 में भी। ठीक है, तो सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ गया था वो गया था 122। ठीक है, और एआरओ की, अच्छा आप लोग एआरओ की भी सोच रहे होंगे, जो एआरओ वाले बच्चे हो, तो उस समय 84 से 86 के अप्रोक्स शायद ये कट ऑफ था क्वेश्चन का। ठीक है, 84 से 86 एआरओ वाले देख लेना, जो एआरओ वाले कैंडिडेट थे उनका बहुत कम गया था। 84 से 86 क्वेश्चन गया था कट ऑफ, सही क्वेश्चन का है, ये नहीं कि सबको जोड़ के तुम लोग 84-86 करना। ठीक है, तो ये देखना, ध्यान रखो 122 क्वेश्चन आपका 2017 में गया, 13 से देखो कितना कम गया है। तो ये नहीं, अभी आपका जो रिसेंट आया है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी 122 सेम ही रहता है दोनों का, ज्यादा अंतर नहीं। महिलाओं का थोड़ा कम जाता है, तो महिलाओं के लिए फायदा है। अनुसूचित जाति का देख लो 105 और अनुसूचित जनजाति का 84, इसी के अप्रोक्स आपका एआरओ गया था। ठीक, अगर हम बात करें 16 का जो री एग्जाम हुआ है 2020 में, इसमें कट ऑफ किया गया, ये जो अनुमानता बताया जा रहा है, जो बच्चे बता रहे हैं जिनका हुआ है चाहे नहीं हुआ है, तो उनमें जो कहा जा रहा है कि देखो 100 कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि कुछ विवादित क्वेश्चन भी थे, तो 129-29 के आसपास नहीं हुआ है। ठीक है, 129 के पास नहीं हुआ है कुछ लोगों का, कुछ लोग कह रहे हैं हो गया है, वो हो सकता है कुछ ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन हो जो पहुंच गए, मतलब कहा जा सकता है कि 130 से 35 मान सकते हो कि यही कहीं लाई कर रहा होगा कट ऑफ। ठीक है, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि आयोग कट ऑफ नहीं दिया, सिर्फ लिस्ट निकाल देता है। ठीक, और एआरओ की बात कर लें, उसी में 2016 वाला जो एग्जाम हुआ है, तो एआरओ में भी इस बार छलांग लग गई है भाई साहब, जैसे 85 गया था 17 वाले में, तो इस बार 115 पे बच्चों का नहीं हुआ है। तो कह सकते हो 115 मतलब 117 या 20 के अप्रोक्स ये भी कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये 100% हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मेहनत ऐसे करना, अगर आप एआरओ वाले हो तो आपको भी 120 क्वेश्चन नहीं रखना, आपको भी रखना उतना ही क्वेश्चन कि हम एआरओ भी ले लें। काहे एआरओ के लिए करो फाइट, तो आरओ के लिए अपने आप एआरओ हो जाएगा अगर आप एआरओ के एलिजिबिलिटी रखते हो। तो ये रहे आपके सिलेबस, कट ऑफ और बाकी जो स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो जैसे आपके नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे पढ़ना है अब स्ट्रेटजी, क्योंकि तब मैं जान जाऊंगा ना कि आपका ड्यूरेशन कितना मिला है आपको तैयारी करने का, तो उस ड्यूरेशन के हिसाब से मैं बताऊंगा, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो अभी आप ये देख लो सिलेबस क्या था, पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना, मैंने ये बता दिया कि आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो। मॉडर्न पढ़ सकते हो, पॉलिटी पढ़ो, भूगोल पढ़ो, जो मेन सब्जेक्ट है उस पर आप क्या करो, पहले पकड़ बनाओ। और जिसे भी जो शुरुआत में अगर आप लोग हो, इनिशियल कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो आरओ के लिए, पहली बार यूपीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, वो भी आरओ से शुरुआत कर रहे हो, तो आप लोग परीक्षा प्लस के द्वारा जो भी कोर्स चलाया जा रहा है, जैसे आरओ का जो कोर्स चलाया जा रहा है, आप लोग उससे जुड़िए। आपको दिन प्रतिदिन उस पर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मोटिवेशन, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अगर आप नहीं तैयारी किए हो तो आपको मेन तो ये होता है कि आपको एक सही डायरेक्शन मिले कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, और कैसे पढ़ना है, तो वो चीज़ें वहाँ आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ आपको जो है कोर्स जो चलाया जा रहा है टीम के द्वारा, उससे आप जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आपको वीडियो भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।